Hello students, myself Suman. Welcome to my YouTube channel, Study with Suman. In this video, I'm going to explain the very first chapter of class 8 English course, What Can I Do? The chapter name is The Best Christmas Present in the World, written by Michael Morpurgo. Dear students, I have already explained the first and second part of this chapter in my previous videos. You can check it out on the link given in the description box. Now, let's move to the third part of the chapter. In the author's words, I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. मैंने पत्र को मोड़ा और दोबारा सावधानी से इसे वापस एनवेलप में डाल दिया. I kept awake all night. मैं पूरा जागता रहा. By morning, I knew what I had to do. सुबह होने तक मैं जानता था कि मुझे क्या करना था. I drove into Bridport, just a few miles away. यहाँ से कुछ ही दूरी पर मैं ब्रिडपोर्ट गाड़ी चला कर गया, गाड़ी में गया. आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वॉज. मैंने वहाँ के लड़के से, जो कि वहाँ पर अपने कुत्ते के साथ सैर कर रहा था, कॉपर बीचेस के बारे में पूछा. हाउस नंबर 12 टर्न्ड आउट टू बी नथिंग बट अ बर्न्ड आउट शेल. हाउस नंबर 12 जो केवल एक जले हुए खोल के अलावा और कुछ नहीं था. द रूफ कैपिंग द विंडोज बोर्डेड अप. रूफ में, छत में गैप्स आए हुए थे, टूटी हुई छत थी और खिड़कियों में बोर्ड लगे हुए थे, लकड़ी के तख्ते लगे हुए थे. आई नॉक एट द हाउस नेक्स्ट डोर. मैंने अगले दरवाजे पर खटखटाया एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ मिसेस मैकफर्सन. और वहाँ जाकर पूछा कि क्या कोई मिसेस मैकफर्सन के बारे में जानता था. ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स ही न्यू हर वेल. एक बूढ़े आदमी ने जो स्लीपर्स पहने हुए थे उन्हें कहा हाँ वो जानता था, वो उसे बहुत अच्छे से जानता था. अ लवली ओल्ड लेडी ही टोल्ड मी अ बिट मडल्ड हैटेड. एक बहुत ही प्यारी बूढ़ी महिला, लेकिन जो कुछ सन की थी. बट एट हर एज शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी. लेकिन उनकी उम्र में ऐसा होना स्वाभाविक था. वाजन शी 101 ईयर्स ओल्ड. वो 101 साल की थी, क्योंकि उनकी उम्र 101 साल की थी. शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर. वो समय घर में ही थी जब इस घर को आग लगी. नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड. वास्तव में कोई नहीं जानता था कि आग कैसे शुरू हुई. बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स. परंतु यह अवश्य ही मोमबत्ती से लगी होगी. शी यूज्ड कैंडल्स रादर देन इलेक्ट्रिसिटी. वो बिजली की अपेक्षा मोमबत्ती का उपयोग करती थी. शी बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव. क्योंकि वो हमेशा सोचती थी कि बिजली बहुत महंगी थी. द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम. अग्निशमन कर्मचारियों ने उन्हें समय रहते बाहर निकाल लिया. शी वॉज इन द नर्सिंग होम नाउ. वो इस समय एक नर्सिंग होम में थी, अस्पताल में थी. ही टोल्ड मी बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉरचेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन. उन्होंने बताया कि वो शहर के दूसरी तरफ डॉरचेस्टर रोड पर बर्लिंगटन हाउस नामक नर्सिंग होम में थी. आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजली इनफ. मैंने बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम बड़ी आसानी से ही उसे ढूंढ लिया. देवर पेपर चेन्स अप इन द हॉल वे एंड अ लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विद अ लॉप साइडेड एंजल ऑन अ टॉप. वहाँ पर हॉल में, हॉल के रास्ते में कागज़ की लड़ियाँ लगी हुई थी और वहाँ पर कोने में कॉर्नर में एक लाइटेड चमकता हुआ क्रिसमस ट्री जो था वो था और विद अ लूप साइडेड एंजल जिसके ऊपर झुकी हुई एक देवदूत की, फरिश्ते की प्रतिमा लगी हुई थी. आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसेस मैकफर्सन टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट. मैंने कहा कि मैं मिसेस मैकफर्सन से मिलने आया हूँ और मैं उनका एक मित्र था और उन्हें क्रिसमस का प्रेजेंट तोहफा देने के लिए आया था. आई कुड सी थ्रू इन टू डाइनिंग रूम वेयर एवरी वन वॉज वेयरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग. मैं उस भोजन कक्ष के बीच में देख सकता था कि वहाँ पर हर व्यक्ति ने अपने सिर पर एक पेपर हैट, कागज़ की हैट पहनी हुई थी और गा रहा था. द मैट्रन हैड अ हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी एनफ टू सी मी. मैट्रन ने भी अपने सिर पर हैट पहनी हुई थी और वो मुझे देखकर बहुत खुश हुई. शी इवन ऑफर्ड मी अ मिंस पाई. उसने मुझे मांस के बनी हुई एक कचौरी भी ऑफर की. शी वॉक्ड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर. वह बरामदे में से चलती गई. मिसेज मैकफर्सन इज नॉट इन विद द अदर्स शी टोल्ड मी. मुझे बताया कि मिसेज मैकफर्सन जो थी वो उनके साथ नहीं, दूसरों के साथ नहीं है. शी इज़ रादर
confused today as so we thought it best if she had a good rest. वो आज कुछ परेशान थी इसलिए हमने सोचा कि ये बेहतर होगा कि वो आराम करें. She has no family, you know, no one visits. आप जानते हो कि उसका कोई परिवार नहीं है और उसे कोई मिलने नहीं आता है. So I'm sure she will be the only too pleased to see you. और मुझे विश्वास है कि वो आपको देखकर बहुत खुश होगी. She took me into a conservatory with a wicker chairs and potted plants all around and left me. वो मुझे कंजर्वेटरी में एक भंडारघर में ले गई जहाँ पर सिंह की बनी हुई कुर्सियाँ पड़ी थी और चारों तरफ गमलों में पौधे लगे हुए थे और उन्होंने मुझे वहाँ छोड़ दिया. Now the old lady was sitting in a wheelchair. अब वो बूढ़ी महिला एक व्हीलचेयर में बैठी थी. Her hands folded in her lap. उसके हाथ उसकी गोद में थे. She had silver white hair pinned into a wispy bun. उसके अपने सफ़ेद चांदी जैसे बाल जो थे एक जोड़े के बंधे हुए थे. She was gazing out at the garden. वो बाहर गार्डन की तरफ बागीचे की तरफ देख रही थी. Hello, I said, she turned. मैंने कहा हेलो और वो मुड़ी. And looked up at me vacantly. और मुझे खाली नज़रों से मेरी तरफ देखा. Happy Christmas, Connie, I went on. मैं बोलता गया क्रिसमस हैप्पी क्रिसमस Connie. I found this. मुझे ये मिला था. I think it's yours. और मुझे लगता है कि ये आपका है. As I was speaking, her eyes never left my face. जैसे ही मैं बोल रहा था उसकी आंखें मेरे फेस से नहीं हटी. I opened the tin box. मैंने टिन बॉक्स को खोला. And gave it to her. और उसे दे दिया. That was the moment her eyes lit up with recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness. ये वही क्षण था जब उसकी आंखें ऐसी चमक उठी जैसे मुझे पहचान लिया हो और उसके चेहरे पर अचानक आने खुशी से वो चेहरा तमक उठा. I explained about the desk. मैंने डेस्क के बारे में उसे बताया. About how I had found it. और ये बताया कि वो मुझे कैसे मिला था. But I don't think she was listening. लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सुन रही थी. For a while she said nothing. कुछ क्षण के लिए वो कुछ नहीं बोली. But struck the letter tenderly with her fingertips. परंतु वो उस पत्र को अपने हाथों से सहलाती रही. Suddenly she reached out and took my hand. अचानक ही उसने मेरा हाथ पकड़ लिया. Her eyes were filled with tears. उसकी आंखों में आंसू थे. You told me you would come home by Christmas, dearest. आपने मुझे बताया था कि आप क्रिसमस पे वापस आओगे घर आओगे. And here you are. और यहाँ पर तुम हो. The best Christmas present in the world. और यह विश्व में सबसे अच्छा क्रिसमस का प्रेजेंट है. कम क्लोजर मेरे नज़दीक आओ. जिम डियर सिट डाउन. जिम बैठ जाओ. आई सेट डाउन बिसाइड हर. मैं उसके पास बैठ गया. एंड शी किस्ड माय चीक. और मेरे गाल को चूमा. आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे. मैं अक्सर आपका पत्र पढ़ती थी. आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड. मैं आपके कानों में आपकी आवाज़ सुनना चाहती थी. It always made me feel you were with me. मुझे हमेशा ऐसे लगता था जैसे आप मेरे साथ थे. And now you are. अब आप हो. Now you are back. You can read it to me yourself. अब आप वापस आ गए हो तो आप स्वयं ही इसे मिले पढ़ सकते हो. Would you do that for me? क्या आप मेरे लिए करोगे? Jim dear, I just want to hear your voice again. मैं केवल आपकी आवाज़ को दोबारा सुनना चाहती हूँ. I would love that so much. मुझे बहुत अच्छा लगेगा. And then perhaps we will have some tea. और उसके बाद शायद हम कुछ चाय लेंगे. I have made you a nice Christmas cake. मैंने आपके लिए एक बहुत ही अच्छा क्रिसमस केक बनाया है जिसके चारों तरफ मार्जिबन ऑल अराउंड मार्जिबन लगा हुआ है. आई नो हाउ मच यू लव मार्जिबन. मैं जानती हूँ कि आपको मार्जिबन से बहुत ज़्यादा प्यार है. इस प्रकार इस लेसन में यह लेसन हमारा यहाँ एंड होता है. और जैसे आपने देखा कि Connie जो है ऑथर को ही जिम अपना हस्बैंड समझ रही थी और उसे लग रहा था कि जैसे जिम मैकफर्सन वापस आ गया है. बट एक्चुअल में जिम मैकफर्सन कभी वापस नहीं आया और ये केवल उसकी कल्पना थी कि जिम वापस आ गया है. Here the lesson ends. I hope this video will help you to understand the chapter thoroughly. If you have any query, please comment me in the comment box. Do like, share and subscribe my YouTube channel Study with Suman. Thank you.